शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूस्खलन नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि ढली में किसान भवन के पास लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन की चपेट में किसान भवन के 4 कमरे और 2 गाड़ियां आई हैं और कमरे के अंदर भी मलबा घुसा हुआ है। हालांकि पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है और एपीएमसी की 4 मंजिला इमारत पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि एपीएमसी ने किसानों की सुविधा के लिए ये किसान भवन बनाया था, लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और उसके बाद अब भूस्खलन शिमला में देखने को मिला है। ढली में किसान भवन के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से मलबा गाड़ियों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि किसान भवन के 4 कमरे इस भूस्खलन की चपेट में आए हैं और 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब बारिश हुई, बारिश के बाद ये मलबा गाड़ियों के ऊपर गिरता हुआ नजर आया और साथ ही साथ किसान भवन के 4 कमरे भी इसकी चपेट में आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल ठाकुर जुड़े हुए हैं। कमल, जानकारी चाहेंगे, लगातार बारिश का कहर हिमाचल में देखने को मिल रहा है और अब तस्वीरें ढली से सामने आ रही हैं। बारिश के कहर के बीच ये लैंडस्लाइड जो है शिमला के ढली में हुआ है, जहां पर जो है 2 गाड़ियां इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई है और जो किसान भवन है एपीएमसी का, उसके कुछ कमरे भी इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद जो है इस भवन को पूरी तरह खाली करवा दिया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बारिश जो है हिमाचल प्रदेश पर लगातार कहर बनकर बरस रही है और उसी के तहत जो है लैंडस्लाइड भी जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो इसमें किसी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो 2 गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आई है। और गनीमत की बात ये रही कि ये जो लैंडस्लाइड है ये सुबह के समय हुआ, अगर रात को होता तो इसमें कई जाने भी जा सकती थी, क्योंकि ये जो किसान भवन है इसमें पुलिस के जो कर्मचारी है उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। आजकल शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था और सेफ सीजन की जो शुरुआत है उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल का जो तैनाती की गई है, उन पुलिस कर्मचारियों को जो है यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से कोई जानी नुकसान इस लैंडस्लाइड में नहीं हुआ है, लेकिन 2 गाड़ियों की जो है दबने। कमल, एक और जानकारी चाहेंगे, क्या इस मलबे को हटा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत है उसको भी लगातार खतरा बना हुआ है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, मलबे को हटाने का काम जो है लगातार जारी है। गाड़ियों को मलबे से निकाल लिया गया है, लेकिन जो भवन है उसको भी काफी खतरा बना हुआ है, जिससे जो है इस भवन को खाली करवा लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें शिमला के ढली से सामने आई है, जहां पर